नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आप सबको पता है कि भाजपा की नेता रह चुकी रोशनी यादव ने हाल ही में भाजपा को दामन छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी है और रोशनी यादव की सियासी उठापटक के घटनाक्रम से नेवाड़िया ही नहीं टीकमगढ़ जिला में भी सियासी उठापटक की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस और भाजपा के बड़ी बड़ी कद्दावर नेता भी सियासी उठापटक कर सकते हैं और इसे कितों न कितों राजनीतिक दलन के जो सियासी समीकरण हैं वे गड़बड़ा सकते हैं। ये रिपोर्ट में हम आपको बताएं कि रोशनी यादव के कांग्रेस ज्वाइन करी से और भाजपा छोड़ी से कितनों का असर पड़े और कौन कौन सी विधानसभा सीटन पे ई पे असर पर वो जा रहा है और कौन कौन से वे नेता हो सकते हैं जो अपने दल बदल कर सकते हैं और समीकरण को एकदम नई दिशा दे सकते हैं। आपको पता है जो तो कि चुनाव में अलग अलग दिन अलग अलग घटनाक्रम के बाद सियासी समीकरण लगातार बदलत जाते हैं और चुनाव तक लगातार एक न एक घटना के बाद एक न एक सियासी समीकरण बदलत लें। ऐसी में चुनौती रहे उन राजनीतिक दलन को, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को, कि इन सियासी समीकरण को कैसे मैनेज करें। एक तरफ तो जनचर्चा जा है कि कांग्रेस ई बार नेवाड़ी और टीकमगढ़ की पाँच ही विधानसभा में से एक ब्राह्मण चेहरा और एक यादव चेहरा को उतारने की तैयारी में है। ऐसे में आशंका जताई जा रही कि यादव चेहरा के रूप में हाल ही में रोशनी यादव ने ज्वाइनिंग कर ली। अगर रोशनी यादव को टिकट मिले तो ई को असर नेवाड़ी के अलावा टीकमगढ़ जिला की जो टीकमगढ़ विधानसभा है उतर भी असर पड़ सकता है और ई को असर ऐसे भी अपन देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के कद्दावर नेता टीकमगढ़ से माने जाते हैं वे सपा के संपर्क में चल रहे हैं। ऐसी जनचर्चाएं भी चल रही हैं, सूत्र ऐसी बातें भी बता रहे हैं। हाल ही में उनकी अखिलेश यादव की मुलाकात की बातें भी कही जा रही हैं। ऐसे में कही जा रही है कि जितने एक जाति विशेष के तीन उम्मीदवार कांग्रेस उतारती उतने उनमें से तीन को कम करके अब दो ही पे सिमटे, कैसे कांग्रेस को एक ब्राह्मण चेहरा भी उतारने हैं, एक यादव चेहरा भी उतारने हैं और सबसे जो सॉफ्ट सीट नज़र आ रही है कांग्रेस की लाने वह टीकमगढ़ की सीट नज़र आ रही है कि टीकमगढ़ से पुराने अपने दावेदार को बदल के इस बार नए दावेदार को उतार सकते और अब भी नए दावेदार कितों ना कितों समाजवादी पार्टी के संपर्क में नज़र आ रहे हैं। संपर्क सूत्र बता रहे हैं कि वे लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से हाल ही में उनकी एक मुलाकात की भी जन चर्चाएँ चल रही हैं। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर कांग्रेस उनको टिकट काटे तो फिर भी समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में भी उतर सकते। यही रोशनी यादव के जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाए से कछु और स्थिति बनत नज़र आ रही है कि कांग्रेस को अबे एक ब्राह्मण चेहरा भी चाहना है। अगर टीकमगढ़ विधानसभा से कद्दावर नेता को टिकट ना देके एक जाति विशेष के व्यक्ति को कम करके अगर फिर उतर ब्राह्मण की पूर्ति करे उतर डैमेज कंट्रोल को काम करवे और अपनी सियासी गोट बठारवी को काम करे कांग्रेस तो फिर वो ब्राह्मण चेहरा को हो सकत। सो एक और सूत्र बता रहे कि इतने अब कांग्रेस भाजपा के एक प्रबल दावेदार को तोड़ के कांग्रेस में ले आ सकते हैं। यानी कि एक तरफ रोशनी यादव ने भाजपा छोड़ी, दूसरी तरफ टीकमगढ़ में एक और भाजपा के नेता ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस में जा सकते हैं और कांग्रेस में जावे की वजह यह है कि जो एक जाति विशेष के तीन दावेदार हैं कांग्रेस के उनमें से एक को कम करने और ब्राह्मण को भरने हैं। अब ब्राह्मण के लाने नेवाड़ी से बहुत सारे ब्राह्मण स्थानीय और जो ब्रजेंद्र कुमार व्यास पूर्व विधायक गरौठा डमडम महाराज वे भी लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं और यदि इनमें से कौन ब्राह्मण को मिले तो जाहिर सी बात है टीकमगढ़ में कौन ना कौन यादव चेहरा कांग्रेस उतार सकते हैं। लेकिन ई की जो है संभावना बहुत कम देखी जा रही है, संभावना अब ज़्यादा देखी जा रही है कि हो सकत के कांग्रेस रोशनी यादव पर नेवाड़ी से दाव लगाए और रोशनी यादव पर दाव लगात नहीं जो सियासी उठापटक को खेल एकदम खुल के सामने नजर आ सकत। आपको टीकमगढ़ विधानसभा पे ई को सीधो असर देखने को मिल सकत है। कैसे जो कांग्रेस है पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के सुपुत्र उपचुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने और ई बार फिर उनकी प्रबल दावेदारी बताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको टिकट एकदम कन्फर्म सो है, केवल औपचारिक घोषणा होवे के लाने बाकी रह गई है। तो उतनी अगर हम बात करें खरगापुर सीट की, खरगापुर सीट से भी जो सुरेंद्र चंदा रानी गौर हैं उनको भी टिकट एकदम कन्फर्म बताया जा रहा है, हालांकि औपचारिक घोषणा हो वो बाकी है। अगर इन दो सीटन पे इन दो नामन को कन्फर्म हो रहा हो तो टीकमगढ़ से फेरबदल की आशंका जताई जा सकती है और ये फेरबदल के बाद तक की प्रबल दावेदार टीकमगढ़ के सपा के संपर्क में आ सकते हैं। कैसे उनकी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात की भी चर्चाएं
चल रही हैं। जैसे ये बात की पुष्टि हुई है, कौन तस्वीरें सामने आए, नाम लेके हम आपको सीधे बताएं कि वे कौन से कांग्रेस के प्रबल दावेदार हो सकत जो सपा में जावे की जिनकी सुगबगाहट चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी के वे कौन से प्रबल दावेदार हो सकत हैं जो भाजपा छोड़कर टीकमगढ़ से कांग्रेस से दावेदारी जता सकत हैं। जिस सियासी समीकरण और सियासी उठापटक रोशनी यादव के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद सामने निकल के आ रहे हैं, और इसे कितनों का असर पड़े जो देखवे लायक हुई है, उतनी भारतीय जनता पार्टी को इसे कितनों का नुकसान हो सकत है, इको भी आप कमेंट करके बताइए। लेकिन एक फायदा उन लोगों को जरूर हुई है जो भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग विधायक हैं। अब कही जा रही है इन 5 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीटों पे जो भाजपा की दावेदार है, भाजपा के विधायक हैं, सिटिंग विधायक, उनकी टिकट कटबे की उम्मीद अब कम होत नजर आ रही है। अगर ये समीकरण कांग्रेस ना बनाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी भी शायद ही अपने जो सिटिंग विधायक हैं उनकी टिकट काटे। अभी 4 विधानसभा कौन सी हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, इको अनुमान आपको लगाने कैसे। बहुत सारी जनचर्चाएँ हैं कि एक चीज़ और साफ हो गई संगे संगे रोशनी यादव के कांग्रेस में जाए से, कि रोशनी यादव जो भाजपा से टिकट की दावेदारी रख रही थी नवाड़ी से, एक दावेदार इतने कम हो गए। तो जो सिटिंग विधायक नवाड़ी के हैं अनिल जैन, उनके लाने एक जो सीढ़ी थी वह कम हो गई दावेदारी के लाने, अब और उनकी प्रबल दावेदारी नवाड़ी से हो गई है। पृथ्वीपुर को उपचुनाव सरकार भारतीय जनता पार्टी ने शिशपाल यादव को लड़ाओ, तो सो हो सकत के इस बार फिर शिशपाल यादव ही पे भारतीय जनता पार्टी मोहर लगाए। इसके अलावा 3 और सीटन पे भी में से 2 सीटन पे भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग विधायक को रिपीट कर सकते हैं। अगर जे समीकरण जो जनचर्चाएँ चल रही, जो सूत्र बता रहे हैं, अगर जे जनचर्चाएँ सच साबित भई तो ऐसा हो सकत कि भारतीय जनता पार्टी अपने सिटिंग अधिकतर सिटिंग विधायक पे मोहर लगाए, दाव फिर से खेले और इनके परिणाम का हुई है जो तो जनता बताए और मतदान बताए। लेकिन समीकरण फिलहाल जी चल रहा है, इस समीकरण से कांग्रेस कितों ना कितों अपनों जातिगत संतुलन है वो बैठावे को काम करे। 2 सीटन पे ठाकुर, 1 सीट पे ब्राह्मण, 1 सीट पे यादव और 1 सीट पे अनुसूचित जाति या जनजाति से कौनों को भी उतार सकत चुनावी मैदान में। सो कांग्रेस जातिगत समीकरण अपनों बैठावे को लगातार प्रयास करे। जा रिपोर्ट में इतना ही, जा रिपोर्ट में आपको कितनों बल लगा नजर आ रहा है जनचर्चा में, जिस सूत्रन के हवाले से जो रिपोर्ट निकल के आ रही रोशनी यादव की कांग्रेस में जा से, ई में आपको का लग रहा हूँ कितनी का सटीक हो सकती है जनचर्चाएँ, कितनी सच साबित हो सकती, कमेंट करके जरूर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद।